एक्शन। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू हेमू शो। आज हमारे साथ है अरियाई स्लैश हेमू, और हमारे साथ वेलकम बैक टू हेमू शो, या हमारा पता नहीं कौन सा एपिसोड है, शायद 69 था, वही होएगा। और हमारे साथ जुड़ रखे हैं अरियाई जी, और ये हेमू का भी रोल करते हैं। आइए इनका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो अरियाई जी, आप ऐसे हेमू की एक्टिंग में क्यों करते हैं? अभी तो हेमू बन रखे हैं, कुछ देर में अरियाई भी बन जाएंगे। चलो पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं। आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिसाइड करेंगे जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। इस पे बहुत सारे पॉडकास्ट बन रखे हैं, पर हम उनकी चीटिंग करने वाले हैं, बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट योर लाइफ। एंड अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरियाई, जो आपको उस टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो अरियाई जी, उस टॉपिक के बारे में बताइए जरा, वो क्या है? हेमू। लगता है हमें हेमू को फायर करना पड़ेगा जी। अरे अरियाई जी, अरे 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 अरे, मैं क्या कर रहा था? हेलो, मैं क्या कर रहा था? हाँ हाँ जी हाँ जी। अरे आप अरियाई जी है, आपको अरियाई, अभी आप हेमू नहीं है, अभी आप अरियाई। हाँ जी अर्जुन जी, क्या करना है मेरे को? आपको टॉपिक बताना है जी। हाँ जी, तो आज का टॉपिक है कि आज के बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए? ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप बहुत फिक्र करते हैं, पर बिल्कुल नहीं करते। बच्चे उनको बेल्ट मार मार के टॉर्चर करते हैं। और आइए जानते हैं, ऐसे एक बच्चे से मिलते हैं। वो बहुत ही पछताता है अपनी हरकतों से, पर फिर भी वो करता है। वो ऐसा क्यों करता है, आइए उससे पूछते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश जी, ये इनके बाप है, और इनके बेटे का नाम है राजू, जो अपनी हरकतों से के लिए बहुत फेमस है। इंटरनेट पे इसका एक चैनल है, उसका नाम है राजू डज वाइंस। उसको चेकआउट करिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम आ चुके हैं राजू के पास। ये किसी को फांसी पे लटका रहे? नहीं नहीं नहीं, अब हम आ चुके हैं राजू के पास। राजू बेटा, क्या कर रहे हो यार? अच्छा राजू, राजू जी, आप ये सब हरकतें क्यों करते हैं? पहले मेरे को ऐसे इन काम में बिल्कुल मजा नहीं आता था, लेकिन जब मैंने एक बार ऐसा किया तो मेरा मन डेली करने लगा। फिर बाद में जो मेरा भाई है वो भी ये काम करने लगा, बहुत मजा आने लगा। फिर बाद में देखो मेरा भाई क्या कर रहा है। धन्यवाद। हम अब थोड़ी देर के लिए जुड़े थे राजू के साथ, पर उसे अभी उसे और काम करने हैं अपने भाई बहनों के साथ। वो उन्हें टॉर्चर करते हैं और उनकी उनकी छुपा देते हैं, और वो अब अच्छा। तो हम ये सब इंक्लूड नहीं कर सकते फॉर कॉपीराइट इश्यूज। हाँ, तो ये नहीं आ सकता शो में, क्योंकि इसके हाँ ये पैसे छुपा देता है, और उनकी बॉडी भी कहीं हाँ दफना ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम जुड़ चुके हैं राजू के साथ, वो ही उस अरे एक सेकेंड, वो तो बेटा मुकेश, हाँ मुकेश बेटा, हाँ मुकेश के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश हमारे साथ, राजू का एक बहुत ही बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही करीब दोस्त है उसका, मतलब उसका घर का घर वाला ही समझ लो गाइस। और बंद हो गए, हाँ कोई बात नहीं, बंद नहीं हुआ है, सॉरी गाइस, टेक्निकल डिफिकल्टीज, टेक्निकल गुरुजी बहुत काम करते हैं हमारा, अपने उसको स्लेव बना के रखा है। कोई बात नहीं, अब हम आ चुके हैं मुकेश के पास। मुकेश जी, आपको राजू के साथ दोस्ती करने में कैसा लगता है? वो भी आपके जैसे काम करता है, आप भी उसके जैसे काम करते हैं, आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? पहले हम दोनों बॉडी कलेक्ट करने वाले कॉम्पिटिशन में पहली बार मिले थे। जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मैं तो समझ गया था, ये तो मेरा ही टाइप का बंदा है, ये तो अपना ही है। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि वो मेरे को बॉडी कलेक्ट करने के कंपटीशन में अगले साल हरा देगा। और जब उसने मेरे को हराया तो मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी और मैं उसके घर में रहने लगा। हमारी बहुत कम बात होती है, हम बस दिन के अंदर से 18 घंटे ही बात करते हैं। पहले हम पूरे दिन ही बात करते रहते थे, आप लोग देख लो हम कितनी कम बातें कर रहे हैं। फिर बाद में उसके क्या कहते हैं, बहुत सारी इश्यूज आने लगे, और फिर बाद में फ़ोन बंद भी हो गया। लेकिन मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैंने उसके साथ दोस्ती आखिरकार क्यों ही करी। तो चलो मैं आपको उसके पापा से मिलवाता हूँ, ये लीजिए, और उसके पापा का नाम भी मुकेश ही है। धन्यवाद। अभी हम कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं मुकेश के बाप के साथ। हमारे हमारे के नहीं, राव के बाप के साथ। हाँ जी जी, हेमू जी सही बोला आपने। और हम जुड़ने वाले हैं मुकेश के बाप के साथ, मुकेश के दोस्त के बाप के साथ। हमारी कमेंट्स में कुछ Q&A के सवाल आए हैं, वो हम उसके बाप से पूछेंगे।
और पता चलेंगे कि उसके बाप का क्या ओपिनियन है इस बाप वाले शो में। चलिए गाइस अब उस बाप के बारे में बाप बाप के की तरफ चलते हैं, बाप कहीं के चल चलो गाइस अभी चलते हैं। ओ हाँ जी साहब जी, वो मेरा ही बच्चा है, वो डेली डेली जो हरकतें करता है, हाँ वही लौंडा, हाँ वही वही। तो हमारे Q&A से कुछ क्वेश्चंस आए हैं, क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे? अरे ऐसे तो कोई काम धाम तो था नहीं, तो दे ही देते आखिरकार वो और जुबा केशरी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया है कुमकुम कांटी आंटी से, वो पूछना चाहती है मैं अपने हस्बैंड को पान खाने से कैसे रोकूं, और वो दो पान खाने के पैकेट के खाने के बाद ही नशे करने लग जाता है, इसके रोकने के लिए मैं क्या करूं, उसको फांसी पे लटका दूं क्या या फिर उसके ऊपर टमाटर फेंक दूं? जी ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन मैं इसको उत्तर जरूर देना चाहूंगा। उसको एक केवल्य नामक बच्चे के पास भेज दीजिए और उसका सारा इलाज हो जाएगा। उसका सारा इलाज हो जाएगा तो केवल ले कांटेक्ट करने के लिए कॉल कीजिए 420-6969-420 पर। ओ जी अभी पता चला था कि ये क्वेश्चन बहुत ही कंट्रोवर्शियल, और हम बोर हो रहे थे, हमें और इतनी मेहनत नहीं है कि मैं क्वेश्चन पूछ सकूं, सारे क्वेश्चन मैं ही पूछ रहा हूँ। कमेंट में किसी को मत बताना कि ये सारे क्वेश्चन मैंने ही पूछे हैं, मैं ही कमेंट वाला हूँ सबसे ज्यादा, मैं ही कमेंट करता हूँ ये सब फेक आईडिया फिर 3-4, तुम्हें पता नहीं है मैं किसको इसको हैक कर चुका हूँ, और फाइल नंबर 69 खोलना मत भूलना। और इसी के साथ हमारा एक एपिसोड नंबर 69 भी खत्म होने की कदार पे है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, और ये कोई कास्ट भी तो नहीं है, इसको भगाओ जी, अच्छा कोई बात नहीं, और इसको लाइक करना शेयर करना। हे वापस आ गया है गाइस, गाइस रुके रुके बचाइए। हाँ!